ओके सो हर हर महादेव, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सर्वप्रथम तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसको हम लोग उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार और इसने सभी को मेरी तरफ से और सभी के परिवारजनों को भी हमारी तरफ से इसी मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता होना चाहिए कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। इससे पहले सिख धर्म में एक पर्व होता है लोहरी का, वो भी मनाया जाता है। तो इसके मनाने के पीछे की वजह अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? लाइव है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि लैपटॉप और फ़ोन दोनों नहीं है। फ़ोन आज मैं घर में भूल आया हूँ, वजह ये है, और लैपटॉप आज मंजीत के पास है, तो कमेंट सामने वो देखेंगे। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? देखो भाई, ऑडियो वीडियो अगर क्लियर हो तो जल्दी से कमेंट से बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग एक बेहतरीन ग्रुप डी के पेपर का डिस्कशन करेंगे विद द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है? और ये तारीख है 22 जनवरी 2022 की, ठीक? 22 सितंबर, एक्चुअली में 2 सितंबर होगा, यहाँ 22 लिख गया, इसको 2 सितंबर 2022 का, ठीक है? आप ऐसे समझना, 2 सितंबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसको हम लोग आज सॉल्यूशन में देखेंगे और उसके बेस्ट सॉल्यूशन को यहाँ पे जानेंगे, ठीक है? अच्छा, सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो जल्दी से कमेंट से बता दीजिए। मंजीत की नजर बाज की नजर है, मंजीत की आपको तो पता ही है, है ना? तो चलिए शुरुआत की जाए फिर। हाँ भाई, हाँ ठीक है, खुश रहो खुश रहो। चलो चलिए तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न, आप देखिएगा 2 सितंबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। और जिन बच्चों को एएलपी के कंप्लीट पैकेज में एनरोल करना है, जो कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को मिलाकर है, उसमें मतलब आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी मैं आप चीजों को बताऊंगा, जब आपके सामने वो प्रमोशन आएगा ना तब बताऊंगा। 750 रुपये में आपके पास मिल जाएगा और तब जब आप कूपन कोड AD10 यूज करेंगे, ठीक है भाई? चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न की, पढ़ लो भाई भैया बहुत ध्यान से। बहुत सर्दी है यहाँ पर भाई, क्या क्या है? कह रहा 12 पेन और 7 पेंसिल का जो मूल्य है ना, वो है अपने पास 233 रुपये, ठीक है? यदि एक पेन के मूल्य में 1.5 रुपये की कमी की जाए और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि की जाए, तो 2 पेन और 3 पेंसिल का जो मूल्य है वो 48 रुपये होता है। हमसे कह रहा है कि 4 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। अब जरा समझना इस सवाल को, बहुत प्यारा सा है, बहुत बेहतरीन सा सवाल है, आप देखो बड़े मजा आएगी। सबसे पहले 12 पेन है, ठीक है, 12 पेन और 7 पेंसिल है। तो एक पेन का मूल्य मैं x मान लेता हूँ, एक पेंसिल का मूल्य मैं y मान लेता हूँ। तो 12 पेन है तो 12 पेन का मूल्य हो गया 12x, और 7 पेंसिल है तो 7y। इनका जो टोटल मूल्य दे रखा है 233। अब बात बहुत ध्यान से समझना तो आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है? कह रहा है एक पेन के मूल्य तो हमारे पास x, इसमें 1.5 रुपये की कमी कर देते हैं, तो ये लीजिए भाई 1.5 रुपये की कमी हो गई। 1.5 की कमी होने का मतलब 3/2 भी लिख सकते हो, बोलो हाँ हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि होती है, बहुत ध्यान से सुनना। पेंसिल के मूल्य में एक पेंसिल का जो मूल्य था वाई, उसमें 1 रुपये की वृद्धि होगी, मैंने कहा ये भी ठीक है। तो अब क्या होता है इस स्थिति में, 2 पेन और 3 पेंसिल का टोटल मूल्य कितना बन जाता है, 48 रुपये। 2 पेन और 3 पेंसिल, तो 2 पेन और 3 पेंसिल, इसका मूल्य कितना बन जाता है, 48 रुपये। प्यारे भाई आप अगर एक चीज को देखें समझें और जानें, तो मेरे ख्याल से ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी, मैं आपको उसका रीजन बताऊं। भाई जब 2 का गुणा तुम 3/2 में करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 3 आएगा, और 3 का गुणा इसमें करोगे तो प्लस का 3 आएगा। आप ऐसे भी समझो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक पेन में 1.5 रुपये की कमी आती है तो 2 पेन में कितनी कमी आएगी, तो आप बोलोगे सर 2 पेन में तो 3 रुपये की कमी आएगी। और एक पेंसिल में अगर 1 रुपये बढ़ा है तो 3 पेंसिल में कितना बढ़ेगा, बोलोगे सर 3 रुपये। तो जो घटा 3 और बढ़ा 3, तो ये तो कैंसिल हो गया, बराबर हो जाएगा। तो मैं सीधे सीधे क्या देख पाऊंगा, सीधे सीधे ये देखने को मिलेगा यहां से कि 2x इसका गुणा इसके साथ प्लस में 3y, ये किसके बराबर जा रहा है, ये बराबर जा रहा है 48 के। और यहां पर 12x प्लस 7y किसके बराबर था, 233 के। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये करूंगा कि अब यहां से एक पेन और एक पेंसिल निकाल लें, तो फिर 4 पेन और 4 पेंसिल, 1 पेंसिल पता चल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनिएगा ध्यान से,
दो पेन है, 12 पेन है, तो मैंने कहा भाई इस इक्वेशन में मैंने 6 का गुणा कर दिया तो अपना काम बनेगा। कैसे बनेगा? 6 दूनी 12, 12 से 12 का काम खत्म हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इससे इसको घटाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। 6 दूनी 12 एक्स में से 12 एक्स खत्म हो गया, 6 तेई 18 वाई में से 7 वाई खत्म, 6 तेई 18 वाई में से 7 वाई खत्म, तो 11 वाई आएगा। एक लाइन में ही समझो, 48 गुणा 6 बच्चा कितना होता है? जैसे 48 गुणे 3 144 होता है, 48 गुणे 6 288 होता है। तो 288 में अगर हम इसको घटाएंगे तो अपने पास 55 आ जाएगा। तो y का मान मेरे भाई क्या आ गया, y का मान आ गया 5 रुपए, और y क्या थी, पेंसिल थी। तो एक पेंसिल का जो मूल्य हो गया एक पेंसिल का, वो कितना आ गया, 5 रुपए एक पेंसिल का। हर एक स्टेप बहुत बहुत लंबे स्टेप नहीं लिखने होते, ऐसा लिखना होता है कि एक लाइन में ही सवाल करें, खत्म। ठीक, यही चीजों को मैं आपको हमेशा सिखाता हूं, इसको भी आज भी सीखो। तो भाई y का मान तो आ गया 5, तो 5 से 15 हो गया, 48 में से 15 को घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा भाई, 5 से 15, 48 में से 15 घटा लेंगे तो 33 बचेगा, बचेगा 33। हाँ सर, 33 का आधा यानी x का मान होगा, तो 33 का आधा कितना होगा, तो बोलोगे सर 16.5। तो एक पेन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई, तो आप बोलोगे सर एक पेन की वैल्यू आ गई 16.5। अब हमें पेन भी पता चल गया, पेंसिल भी पता चल गई। तो एक पेन है 16.5 का, दो पेन कितने होंगे, 33 के, चार पेन कितने होंगे, 66 के, प्लस एक पेंसिल कितने की, तो आप बोले सर 5 रुपए की, तो एक पेंसिल हो गई 5 की, चार पेन हो गए 66 के, टोटल मूल्य कितना हो गया, 71 रुपए, 66 और 5 71 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अब देखो कितना शानदार सवाल, ये सबसे पहली, मतलब इस शिफ्ट में सबसे पहला क्वेश्चन ये जो पूछा गया था, कितना गजब क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप सोचिए, अच्छा अमूमन क्या होगा, इस प्रश्न को कर पाने में बच्चे बड़ा अपने आप को मतलब असहज महसूस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये स्टेप आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां से आपका कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे समझ में आता है कि ये दोनों चीजें सॉल्व करने के लिए आप 2-3 स्टेप अब नहीं बढ़ाओगे, अगर आपने चीजें अच्छे ढंग से पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। ठीक, अब कोई बच्चा ये कहे कि सर ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, ये क्यों आ गया, तो मैं आपको इसीलिए तो टॉप 30 वाली सीरीज करा रहा था कि कुछ ऐसे प्रश्न भी आपके सामने देखने को मिलेंगे एग्जाम में जो अच्छे लेवल के होते हैं। अब आप ही के सामने देखो अच्छे लेवल का प्रश्न था। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, अगला सवाल आते हैं, पढ़िएगा बहुत ध्यान से। यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और उस आयत का परिमाप इतना है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें पेन का इस्तेमाल कितना करना है, कितना नहीं करना है, बहुत ध्यान से सुनना। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो अगर मैं बोल देता हूं चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी होगी, 3 गुनी होगी। ये लंबाई लेंथ हो गई, ये चौड़ाई ब्रेथ हो गई, बी हो गई, विड्थ हो गई। ठीक, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी हो गई। अब इसके बाद क्या है, कहता है उस आयत का जो परिमाप है वो 48 है। मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं, किसी भी आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो योग होता है वो उसके परिमाप का आधा हिस्सा होता है। ये बात आपको पता है या नहीं है, बोलो हाँ या ना, बोले हाँ सर ये पता है। क्यों पता है ये भी मैं बताता हूं। परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, यही तो फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं 2 से यहां डिवाइड कर दूंगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई का योग क्या होता है, परिमाप का आधा। तो अगर मैं परिमाप को आधा कर देता हूं तो हमारे पास परिमाप कितना बचा, 24 बचा। अच्छा ये सारी चीजें मेंटल कैलकुलेशन की है, इनको तो लिखने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। तो 3 और 1 4, 4 का मान हो गया 24, और अगर 4 का मान 24 हो गया तो 1 का मान 6, क्योंकि बच्चा भी ये बता सकता है सर अगर 4 यूनिट का मान 24 है तो 1 यूनिट का मान तो 6 होगा, और 1 यूनिट का मान 6 हो गया तो हमसे यही तो पूछा गया था कि चौड़ाई कितनी होगी, तो बोलोगे सर चौड़ाई तो 6 होगी, और अगर लंबाई पूछ लेता तो 18 होती, बस बात खत्म हो जाती है। इतना सा सवाल था, तो लिखने की जरूरत थोड़ी है, चौड़ाई पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। भैया देखना जरा बच्चे आंसर दे रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है नोट करिएगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं बार बार आपको चीजें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है इन चीजों को।
अगर आप इन सब चीज़ों को अभी भी लिखेंगे, जैसे इसको कई बच्चे सर लिखते हैं, लिखने के लिए आप अगर स्टेप बनाते हैं कि एक स्टेप में पहले हम ये लिखेंगे, फिर उसके बाद कुछ और लिखेंगे, फिर उसके बाद कुछ और लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों का, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। इसी बात पर एक बार सेशन को दबा के पहले सभी बच्चे लाइक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। मकर संक्रांति के पर्व पर आप सभी को एक बार पहले लाइक कर देना है। आप भी सोचोगे ये सर कौन सी बात होती मकर संक्रांति के पर्व लाइक कर देना है। एक बार पहले दबा के सभी लोग लाइक कर दो और शेयर कर दो, शेयर बाद में भी कर लेना लेकिन लाइक कर दो, ठीक है। जितने लोग लाइव हो उतने लोग लाइक तो कर ही दो फटाफट से। चलिए मेरे भाई आपके लिए आपका अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, भाइयों और बहनों दोनों लोग, नहीं तो बहनें बुरा मान जाएंगे, अरे सर तो केवल भाइयों को कहते रहते हैं, बहनों को कुछ कहते ही नहीं है, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। त्रिभुज एबीसी में BDAC पर स्थित बिंदु D पर लंब है और DBC एंगल 44 डिग्री है। EBC पर एक ऐसा बिंदु है कि एंगल CAE 34 डिग्री है, तो एंगल EAEB की माप क्या होगी। ABC एक त्रिभुज है, बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज हो गया ABC, ABC, ठीक। अब इसमें क्या बोला गया है, BDAC पर स्थित बिंदु पर लंब है, BD लंब है, तो मैं BD को B को ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। ये एक लंब, शिट, ये एक लंब है, तो मान लीजिए ये बिंदु D हो गया, ये B हो गया, और अगर ये AC पर लंब है तो A से C यहां कर लेते हैं। अब अगर लंब है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कोण DBC का मान 44 डिग्री है, DBC ये कोण जो है ये अपने पास 44 डिग्री दे रखा है, 44 डिग्री दे रखा है। EBC पर स्थित एक ऐसा बिंदु है, किस पर, BC पर ऐसा स्थित एक बिंदु है E, यहां पर मान लीजिए कोई एक बिंदु है E BC भुजा पर, कि CAE का मान 34 डिग्री है, कहां है भैया CAE, ये जो कोण है ना CAE, ये वाला कोण, ये कोण कितने डिग्री का आ गया, ये कोण 34 डिग्री का आ गया, समझना ध्यान से, जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल। अब हमसे कह रहा है कोण AEB का मान क्या होगा, तो भाई AEB कहां है, तो बोलोगे AEB यानी कि हमसे ये कोण पूछा जा रहा है, तो हमने कहा भाई ठीक है ये कोण पूछा जा रहा है तो इस कोण का मान बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनिए जरा बहुत ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि अगर ये लंब गिरा था यहां पर तो ये 90 डिग्री होगा और साथ ही साथ ये भी 90 डिग्री होगा, बोले हाँ सर होगा पक्की बात, यस सर। अच्छा ये 44 है ये 90 है तो ये आ जाएगा, बोले कितना आ जाएगा भाई, 90 में से 44 घटा देंगे, 44 और 6 हमारे पास 50 होगा, 50 40 90 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, बोलोगे सर ये 46 डिग्री आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ये 46 डिग्री आ गया, ये 34 डिग्री है, तो क्या त्रिभुज के इस कोण का मान निकाला जा सकता है, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल निकाला जा सकता है, कोई समस्या नहीं है निकाल ही सकते हैं हम। और या अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हो, सपोज करिए कि इसको नहीं निकाल पा रहे हो, तो किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है ना वो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये वाला जो कोण होगा जो हमें निकालना है AEB वो 34 प्लस 46 का योग होगा, तो 34 प्लस 46 तो 34 प्लस 46 कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यानी ये कोण कितने डिग्री का होगा 80 डिग्री का। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि आपके पास त्रिभुज का ये कोण पता है ये कोण पता है, तो ये हो गया 34 46 80 और ये हो जाएगा फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 तो ये 100 हो गया। अब ये कोण देखो तो एक सीधी रेखा में बना हुआ कोण है, तो अगर ये 100 हो गया तो ये बचा हुआ 80 ही डिग्री तो होगा एक स्ट्रेट लाइन एंगल से, तो ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। सरल प्रश्न था, कठिन नहीं था, अगले सवाल पर चलते हैं। ये है आपका अगला सवाल, पढ़िए ध्यान से बताइए उत्तर क्या होगा, कोशिश करो सभी लोग, समझ में आ गया था पीछे वाला, कमेंट जरूर करते रहना भैया, देख रहे हो ना, या तुम सो जाते हो भाई, देखो यार बच्चों के कमेंट में सो ले है, लाइक और शेयर करने के लिए बीच में बोल दिया करो, कौन सा काम। अच्छा करो करो, ठीक है, आप लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, चलिए उनकी नजर बनी हुई है। एक चतुर्भुज ABCD के कोण ABCD को क्रम से लिया जाए तो उनके अनुपात 3, 7, 6, 4 है, ABCD कैसा है ये आपको बताना है। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक चतुर्भुज है ABCD और उसके कोण है ABCD को क्रम से लिया जाए तो उसके अनुपात क्या है ये दिया हुआ है। मेरे बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना,
अगर किसी चतुर्भुज के जो कोण है ABCD, मान लीजिए हमारे पास वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है ऐसे, ठीक, समांतर चतुर्भुज हो गया ABCD। अब समांतर चतुर्भुज की खास बात कि आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। और ये भी आपको पता है कि अगर इनको क्रम से लिया जाए तो ये कोण किसके रेशियो में है, ये कोण है 3 के, ये कोण है 7 के रेशियो में, फिर उसके बाद ये कोण हो जाएगा 6 के रेशियो में, और अगला कोण हो जाएगा 4 के रेशियो में। मेरी बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा जबरदस्त सा प्रश्न है ये, बड़ा जबरदस्त सा प्रश्न है। मैंने आपको शायद, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि शायद इसके विषय में बता रखा है। देखो, समांतर चतुर्भुज हो या सम चतुर्भुज हो, उसके इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर इसके इन दोनों कोणों का योग 180 होगा तो आप देखो 7 6 13, 180 से 13 नहीं कटेगा। इन दोनों कोणों का योग अगर 180 होगा तो 4 3 7, 7 से 180 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ना ये समांतर चतुर्भुज है ना ही ये समलंब चतुर्भुज होगा, कन्फर्म हो गई बात। अगर कोण ये दिए हैं 100% नहीं होगा। बात आती है समलंब चतुर्भुज की, तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से आता है। मान लीजिए ये हो गया हमारे पास समलंब चतुर्भुज, ठीक, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये हो गया समलंब चतुर्भुज, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप समलंब चतुर्भुज इस प्रकार से भी देख सकते हो, बना सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इन कोणों का अनुपात 3 है, 7 है, 6 है और कितना है, 4 है, तो ये समलंब भी नहीं होगा। क्योंकि समलंब में क्या होता है कि दो समांतर भुजाएं होती हैं और दो भुजाएं, ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए कि दोनों भुजाएं बराबर नहीं है तो इसका एक कोण यहां पर 90 डिग्री आता है, और 90 डिग्री को 7 कभी डिवाइड नहीं करेगा तो यह समलंब भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर ये अनुपात दिए हैं तो त्रिभुज कौन, चतुर्भुज कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर जी वो काइट होगा, यानी कि पतंग होगा। और पतंग की कुछ खास बातें मैं आपको बता दे रहा हूं, हालांकि मुझे लगता है मैंने बता रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है। पतंग होगा ऐसे, जो चतुर्भुज होगा ये पतंग होता है। पतंग जो चतुर्भुज होता है ना, इसकी खास बात ये होती है कि इसका एक विकर्ण, जैसे मान लीजिए ये विकर्ण है, इसका एक विकर्ण इसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। मतलब इस त्रिभुज, ये मान लो ABCD है, ABCD, तो इसमें जो त्रिभुज ABC होगा वो त्रिभुज ADC के सर्वांग सम होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमेशा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे इसके विकर्ण। तीसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है वो बराबर होती है। मतलब ये भुजा जो होगी वो इस भुजा के बराबर होगी, और ये जो भुजा होगी वो इस भुजा के बराबर होगी। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है काइट के विषय में। तो ये जो अनुपात मिलेंगे वो अनुपात क्या मिलेंगे, 6 और 4 के। तो इसका ये कोण 3 के रेशियो में होगा, इसका ये कोण 6 के रेशियो में होगा, ये कोण 7 के रेशियो में होगा, ये 4 के रेशियो में होगा। तो ये पतंग नुमा चतुर्भुज बनेगा, काइट जिसे कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में इसे कई बार डार्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये डार्ट भी कहलाता है, इस चतुर्भुज को डार्ट भी कहते हैं। तो मान लीजिए अगर कभी आपके पास यहां पर ये लिख के आया कि ये एक डार्ट के अनुपात है, तो डार्ट का मतलब ये आप समझेंगे कि ये पतंग है। पतंग का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए भाई, अगर रेलवे के प्रश्न में DI आ गई, तो DI आने का मतलब क्या है? DI आने का मतलब बोनस, ठीक है। कैसा आ गया बोनस? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी, दिख रहा है, वेरी गुड। पढ़िए सवाल। 2015 से 2021 के दौरान राष्ट्रीय शिविर के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले एथलीट की संख्या को प्रस्तुत करता है। दिए गए वर्षों को मिलाकर लड़कियों ने लड़कों की तुलना में कितने परसेंट अधिक योग्यता प्राप्त की है, यह हमें बताना है, ठीक है। जो बॉयज है ना, उनकी जो संख्या, जैसे बॉयज जो दे रहे हैं वो ये वाले लाइन है जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन है, जो लड़कियां हैं वो बीच में जो ब्रेक करके लाइन दी है वो दी है। तो लड़कियों ने लड़कों से कितने परसेंट अधिक क्वालिफिकेशन हासिल करी, अर्हता हासिल करी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी वर्षों को देखना है, 2015 से 2021 लड़कियों की संख्या को जोड़ लेते हैं। तो पहले लड़कियों की संख्या 45, फिर हमारे पास आ गई 65, तो 45 65 हो गया 110, फिर 92 आ गई, तो 110 प्लस 92 को अगर जोड़ोगे तो 110 और 92 तो हो जाएगा अपने पास 200, 202 हो गया, 202 के बाद 48 और जोड़ लीजिए 250 हो गया, 250 से 90 और जोड़ लीजिए 340 हो गया, 340
340 के बाद 70 और जोड़ लीजिए, 340 70 410 416 हो गया, 416 के बाद आप जोड़ लीजिए 5, 416 और 5 421, 421 में अगर हम 40 और जोड़ लेते हैं तो हमारे पास 461 हो जाएगा। इसका मतलब लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो गई, 461। अब इसके लिए आपको अलग से स्टेप नहीं लिखना है कि हम सबको पहले लिख रहे हैं, लिखने के बाद जोड़ रहे हैं, बच्चे की तरीके आपको नहीं करना है, चीज़ों को समझो भाई, ठीक है। और पेपर करने का सबसे सही तरीका यही होता है कि जितने स्टेप आप बचा सकते हैं उतने स्टेप आपको बचाने हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए लड़कों की संख्या जोड़ते हैं, तो लड़कों की संख्या सबसे पहले 56, 56 के बाद 45, तो 549 6511 101 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 101, 101 के बाद 176 को जोड़ते हैं, तो 101 और 100 और 70, 170 एक और सात 177 हो गया, 177, ठीक। 177 के बाद हम आते हैं 34 पर, तो 177 यानी 177 और 4 181 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 211, 211 के बाद 57 को जोड़ते हैं, तो 211 प्लस 57 अगर जोड़ेंगे तो 211 और 50 261 और 7 268, 268 4 272, 272 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो 322, ठीक, 322 5 327, 327 और 2 329, ये हो गई संख्या लड़कों की, ये संख्या हो गई लड़कों की। अब लड़कियों की संख्या 461 है, लड़कियों की संख्या 329 है, आपको यह बताना है लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज्यादा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर हम 461 में से 329 को घटा लेते हैं तो हमारे पास कुछ तो शेष आएगा, क्या शेष आएगा, 11 में 9 माइनस 2 हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस 3 हो जाएगा और यहां पर ये 132 आ जाएगा, यानी लड़कियों की संख्या 132 ज्यादा है लड़कों की संख्या से। तो यही पूछ रहा था ना कि लड़कियों की संख्या ने कितने परसेंट अधिक अर्हता हासिल करी, तो 132 लड़कियां ज्यादा सिलेक्ट हुई हैं लड़कों से, यानी 329 से, कितने परसेंट ज्यादा है ये जवाब हमको देना है और लगभग में उत्तर देना है। आपको उत्तर बताना है मुझे कमेंट में कि क्या उत्तर आएगा, सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल साधारण सी चीज है जिसको आपको सॉल्व करना है। चलो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या देखोगे, 13200, 100 का गुणा हुआ ना 13200 बटे में 329। अब मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, कि अगर मैं 300 से ही भाग करता, या मैं ये कहता कि 300 का गुणा अगर मैं 40 में करता हूं तो हमारे पास 12000 तो आएगा ना, 300 का गुणा 40 में करने पर 12000, और ये क्योंकि 12000 से ज्यादा है तो संख्या तो ज्यादा होगी होगी, यानी आंसर जो होगा वो 40% से बड़ा होना चाहिए। अब 40% से अगर बड़ा होना चाहिए तो देख आंसर कौन सा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 40% से बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए, सब छोड़ दीजिए, खत्म हो गया। इन तरीकों से प्रश्नों को करना, कई सारे बच्चों के मन में एकदम खौफ बैठ जाएगा, अरे यार सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कैसे करते, डिवीजन भी होता है ना एक तरीका, एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन, सीखा होगा तो जरूर कर लोगे, नहीं सीखा होगा तो बात ही अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आपके स्क्रीन पर बहुत शानदार से क्वेश्चन है, बड़े मजेदार से क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपको सेशन को एक बार क्लास को दबा के पहले लाइक और शेयर करना है, कम से कम जितने लोग लाइव हो उतने लाइक हो जाने चाहिए तेजी के साथ, जल्दी से एक बार कर दीजिए दबा के पहले। पावर माइनस वन लिखा होता तो क्या इसको हम एक्स लिख सकते थे क्या, अगर हमारे पास वन अपॉन एक्स की पावर माइनस वन लिखा है तो इसको ये लिख सकते थे, कैसे सर, भाई वन अपॉन एक्स, अब इसको वन के नीचे लाना पड़ेगा तो ये तो पलट कर ऊपर आ जाएगा ना एक्स,
कहने का मतलब समझना, जैसे हमारे पास क्या लिखा था, हमारे पास लिखा था 1/6 की होल पावर माइनस 3, इसको हमने क्या लिखा 1/6 की पावर 3 लिखो। अब अगर इसको 3 लिखोगे तो क्या, इसको 3 लिखोगे तो क्या कनेक्ट कर ऊपर जाएगा तो माइनस 3 होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। इसको आप कैसे लिखते हैं, 1 का क्यूब 1 6 का क्यूब 2, अगर 216 इधर आ जाएगा तो हाँ 216 हो जाएगा, यानी ये 6 की पावर 3 लिख सकते हो इसको पॉजिटिव पलट कर। बोले हाँ सर बिल्कुल मेरी बात, ये हो गया 6 की पावर 3 लिख सकते। प्रश्न है भाई, गलत होंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ 60% बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रश्न का गलत उत्तर देंगे और आप इससे उन्हें दिया होगा, बाद में सही कर लो तो बात अलग की, ठीक है। नेक्स्ट आइए अगला सवाल देखो, 35 किलोमीटर प्रति घंटे पर सेकंड में तो बदली ले, 5/18 से गुणा कर लेते हैं, और क्योंकि ये 24 सेकंड तक चल रही है तो जो दूरी ये तय करेगी वही तो इसकी लंबाई होगी। क्यों होगी सर वही लंबाई, क्योंकि ट्रेन लंबाई के बराबर को दूरी तय करती है, है ना, बस इतना ही। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ, लगभग वाला सवाल है, बहुत ध्यान से देखना, उतने ही ध्यान से बताना। 14.99 गुणे इतना 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 और लगभग में 14.99 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, 15 गुणे में 4.99 को हम 5 लिख सकते हैं, प्लस में 17.988 को हमने लिख लिया 18, भाग में 2.988 को हम 998 को हमने 3 लिख लिया, प्लस में इसको हमने 25 लिख लिया, डिवीजन में हमारे पास फिर से 5 आ जाएगा और माइनस में हमारे पास 5, ये सॉल्व करना है। तो क्या करें, पहले गुणा करें या भाग करें, क्या करें आप खुद ही बताओ। बोले सर गुणा करो पहले, पहले भाग करो, है तो भाई भाग दे दो 6, भाग दे दो 5, अब जो चिन्ह लगे हैं वो चिन्ह चुपचाप लगा लो, बस काम खत्म हो गया। प्लस 15 × 75 हो गया, 75 × 5 = 86, 86 में से 9 घटा देंगे तो अपने पास 77 आ जाएगा, 86 में 9 ही तो घटाना है, क्या जाएगा 77 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस इससे ज्यादा क्या करना था ये बताओ। देखो अगला सवाल बहुत बेहतरीन सा, मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर रेलवे के प्रश्न में, यानी रेलवे के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने बात कर ली NTPC की, अगर मैं बात कर लेता हूँ ग्रुप डी की तो भी चलेगा, मैं बात कर लेता हूँ RPF की तो भी चलेगा, मैं बात कर लेता हूँ इसके पैरामेडिकल की, या मैं बात कर लेता हूँ JEE की, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, DI आने का मतलब समझते हो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ भाई, DI आने का मतलब आपके बोनस नंबर आ गए, क्योंकि इसकी DI बड़ी सरल पूछी जाती है,
और इसके बोनस नंबर आने का मतलब अगर आपने इसको सही कर दिया डीआई को, तो आप कम से कम एक डीआई सही करके, विश्वास मानना, कम से कम 1,000 विद्यार्थियों से ज्यादा नंबर लाते हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये गलत हो जाता है। अब खुद से समझो ये डीआई आपको सही करनी है या नहीं करनी है, पढ़ो आराम से, बताओ जरा उत्तर क्या होगा, पढ़िए बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से, ठीक है। कितने गैर स्नातक अधिकारी ना तो प्रशासक है और ना ही इंजीनियर है? प्रशासक चतुर्भुज है, स्नातक सर्किल है, इंजीनियर स्क्वायर है और अधिकारी ये है। कितने गैर स्नातक, मतलब जो कि स्नातक ना हो। अब स्नातक ना होने का मतलब समझते हो, स्नातक ना होने का मतलब इस सर्किल से बाहर हो, ये सर्किल स्नातक वालों का है तो इस सर्किल से बाहर हो, मतलब इस सर्किल के अंदर जितना भी है वो तो आंसर नहीं है, खत्म हो गया। उसके बाद ये क्या ना होने चाहिए, गैर स्नातक अधिकारी। अब ये ऐसे अधिकारी जो ना प्रशासक होने चाहिए और ना ही इंजीनियर होने चाहिए, मतलब अधिकारी प्रशासक और इंजीनियर में कुछ भी कॉमन ना हो। गैर स्नातक चाहिए हमें अधिकारी, लेकिन वो अधिकारी क्या नहीं होने चाहिए, प्रशासक नहीं होने चाहिए, मतलब इस सर्किल में वो नहीं आने, इस आयत में वो नहीं आने चाहिए, इस आयत में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इंजीनियर भी ना हो तो इस वर्ग में भी नहीं होने चाहिए। तो अब ऐसे नंबर को आपको देखना है, समझना है, जो ना इस सर्किल में हो, ना इस रेक्टेंगल में हो, मतलब आयत में हो, ना इस वर्ग में हो। तो आप बोलोगे सर जी ऐसे तो दो ही नंबर बच रहे हैं, एक नंबर ये बच रहा है 67 और एक नंबर ये बच रहा है 9, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 67 + 9 को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास 76 आ जाएगा। और यही ऐसे गैर स्नातक अधिकारी हैं जो ना तो प्रशासक होंगे और ना ही इंजीनियर होंगे, तो अपना आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 76। और बच्चे मेरी बात का विश्वास मानिएगा कि ये डीआई भी इतने बच्चे गलत करेंगे, इतने गलत करेंगे, क्योंकि भाषा बहुत अच्छी दी है इस सवाल की, और ये बहुत बच्चों से गलत होगी, मैं आपको गारंटीड कह रहा हूं, बहुत बच्चों से। आपने सही करी तो आप हजारों बच्चों से आगे हो गए, हजारों से। अगला प्रश्न देखिए, बताइए उत्तर क्या होगा। इस सेशन को एक बार पहले लाइक और शेयर कर दीजिए दबा के, एकदम मजेदार, बहुत तेज गलन पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए दमदार तरीके से, मजा आनी चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 158 और 215 को विभाजित करने पर 4 और 5 शेष बचता है। अब सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बोल दिया गया है, तो इसका मतलब वो एचसीएफ जानने की कोशिश कर रहा है। अब अच्छा, अगर शेषफल हमारे पास क्रमशः 4 और 5 बच रहे हैं, तो 158 में से अगर हम 4 घटा लेते हैं तो हमारे पास संख्या बचेगी 154, और 215 में से 5 घटा लेते हैं तो संख्या बचेगी 210। मतलब मुझे ये करना है कि इन दोनों का हमको एचसीएफ लेना है, या फिर हम एक काम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं सर, हम अपने ऑप्शन से ये चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और सबसे बड़ी हो। बड़ी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी आ गया काम खत्म। भाई इस सब में सबसे बड़ी संख्या हमें दिखाई दे रही है 21, और 21 से अगर हम 7 को इसको डिवाइड करते हैं 154 को, तो कितनी बार डिवाइड होगा? आप बोलोगे सर 21 से तो ये डिवाइड ही नहीं होना चाहिए 154, बोलो होगा 154 21 से डिवाइड? आप बोलोगे नहीं होगा सर, 154 में किसका गुणा करेंगे, 21 में किसका गुणा करेंगे, 154 आ जाए? बोलोगे सर ये डिवाइड ही नहीं होगा। और मेरे भाई अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो अपना ये आंसर ही नहीं होगा, आंसर हो ही नहीं सकता, सीधी बात है। उसके बाद बड़ी संख्या 18 है, 18 से सर जी ये डिवाइड नहीं होगा, 210 खत्म कर दीजिए। फिर अगली बड़ी संख्या है 14, 14 से सर जी ये भी डिवाइड हो जाएगा पूरी पूरी बार, और 14 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, यानी इनका एचसीएफ जो होगा वो 14 होगा और 14 ही अपना आंसर होगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इनका अगर एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या आ जाता, 14। वह बड़ी से बड़ी संख्या दिए हुए ऑप्शन में से 14 होती कि अगर मैं उस 14 से 158 को डिवाइड करता तो 4 शेषफल आता, और अगर 215 को डिवाइड करता तो अपने पास 5 शेषफल आता। आप डिवाइड करके देखो, 14 एकम 14, यहाँ डिवाइड करिए 14 एकम 14, 14 5 70, ठीक है ना। अगला सवाल बताइए, बढ़िया ध्यान से, बहुत प्यार से। एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात यह है, अगर इस अनुपात को 2 और 3 करना है तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए? क्या बढ़िया सवाल है, समझो जरा ध्यान से।
अब अगर इस सवाल को मैं देखूं तो क्या इस सवाल को मैं यहीं पे करना चाहूंगा? बिल्कुल सर, यहीं पे कर सकते हैं, इसके लिए अलग से स्टेप नहीं लिखना है। मैंने कहा ठीक है भाई, देखिए नहीं लिखता हूं। 80 लीटर में अगर ये अनुपात 3 और 1 का है तो 3 और 1 तो 4 होता है, तो 4 का मान 80, तो 1 का मान 4 का मान 80, तो 1 का मान 20, 1 का मान 20, तो 20 60 ये हो गया, 20 ये हो गया। शुरुआत में दूध इतना, पानी इतना। अब ये अनुपात मिलाकर हमको करना है मेरे प्यारे दोस्त 2 और 3, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, 2 और 3 करना है। लेकिन सवाल में यह भी बताया गया है कि मिश्रण में पानी मिला के ही करना है, दूध की मात्रा को छेड़ना नहीं है, पानी मिलाना है। तो दूध की मात्रा 60 थी, इसको छेड़ना नहीं, तो इसका मतलब अब 2 का मान 60 है तो 1 का मान 30 होगा, और 1 का मान 30 तो ये 60 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। पहले कितना दूध पानी था? 20। अभी कितना पानी है? बोलोगे सर 90 है, तो 20 से अगर 90 हो रहा है पानी, तो कितने यूनिट पानी बढ़ाया गया? तो बोलोगे 70 लीटर बढ़ाया गया। लो हो गया सवाल। अब इसके लिए अगर आप सजाओ पेपर में कि यहां पर लिख रहे हैं मिल्क, यहां पर लिख रहे हैं वाटर, ठीक है, दूध और पानी, फिर लिख रहे हैं कि सर 3 और 1 का अनुपात है, फिर लिख रहे हैं कि सर कितना पानी मिलाया गया, और फिर लिख रहे हैं कि सर 2 और 3 का अनुपात होगा, और फिर ये लिख रहे हैं 80 लीटर है। अरे तो ये सब लिखने में आपका टाइम ही तो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसको लिखने का कोई मतलब होगा? आप खुद से बताओ। उन चीजों का इस्तेमाल करिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, उन चीजों का इस्तेमाल करिए जो आपके पेपर में लगने वाले समय को क्या कर दें, कम कर दें, ज्यादा ना करें, क्या करें, कम करें, बढ़ाए नहीं। आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करिए, देखिए आपके पास सीधे आंसर। और ये तब हो सकता है ना जब आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि आपने सवाल देखा, आपको ये पता चल गया कि आपको कौन से स्टेप कब लगाने हैं। और ये कॉन्सेप्ट कब मजबूत हो पाएंगे? जब आप इनकी भरकस प्रैक्टिस कर लोगे। जो कहावत कही जाती है ना कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, वो हमें लगता है एग्जाम को देख के ही बनाई गई थी। अगला सवाल है, देख के बताओ, बताइए। इसको पी बटे क्यू के रूप में यानी भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 794 लिखा था, तो 794 में हमने उस संख्या को घटाया जिसमें बार नहीं लगा था, यानी 7 को, और जितनी संख्या पर बार लगे थे उनके उतने 9 नीचे लिख दिए, और जितने पर नहीं लगे थे उतने 0 नीचे लिख दिए। यही काम हमने आगे कर लिया। 876 में से क्योंकि बार 8 पे नहीं लगा था, 8 को घटा लेते हैं, बटे में क्या आ जाएगा, 76 पे बार लगे थे, तो 2 बार 9 लिखेंगे और 1 बार 0 लिखेंगे, और इन दोनों का योग करके हमें बताना है। क्या कठिनाई है भाई इस प्रश्न में? मुझे तो नहीं लगता कोई कठिनाई होनी चाहिए। 794 में से अगर मैं 7 को घटा देता हूं तो अपने पास 700 कितना आ जाएगा, 94 में 4 उधर कम 87 आ जाएगा, 787। और 876 में से अगर हम इसको घटा देंगे तो 868 आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर 868 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अब 990 तो दोनों में नीचे है, यानी 990 तो आएगा ही आएगा, 990 तो आना ही आना है नीचे, क्योंकि एलसीएम के रूप में 990 आएगा। ऊपर जोड़ लो, 8 7 15, 5 हासिल 1, 8 6 14, 5 1 15, 5 हासिल 1, और 8 7 15 और 1 16 ये आएगा। बोले हाँ सर ये आएगा। मैंने कहा इसको 5 से काटा जा सकता है? आप बोलोगे हाँ सर 5 से काट सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई अगर तुमने इसको 5 से काट दिया तो आपका उत्तर आ जाएगा, देखो 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5, इसको काटोगे 5 1 5, 5 9 45, 5 8 40, नीचे 198 आ रहा है, और नीचे 198 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और किसी में नीचे 198 है ही नहीं। कहने का मतलब जब आप 198 से इसको भाग देंगे ना तो एक सही 133/198 आ जाएगा। लेकिन ये भाग देने का जो समय है इसमें आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड तो कुछ लगेगा, लेकिन आपकी अगर नजर प्रश्न को करते समय ऑप्शन के साथ भी है तो आप बोलोगे अरे यार नीचे तो 198 था और हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था 198 जिसमें नीचे था, तो अपना आंसर ही सीधे आता, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही सरल और सुसज्जित सवाल था। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, और मेरे ख्याल से आप इस प्रश्न का उत्तर बताने में खुद को सक्षम पाएंगे, हाँ या ना? सेशन लाइक और शेयर तो कर रहे हो ना? आज मेरे पास ना फोन है ना लैपटॉप है, उसका फायदा मत उठाना, कह रहे हैं तो करो भाई, ठीक है। सभी लोग मजा ना आ रही हो तो मत करना, एक बार सेशन को पहले एक बार फिर से सभी लोग थोड़ा जोश के साथ दबा के लाइक और शेयर ठोक डालो जल्दी से। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल जो है वो 4 - 2√5 ये दिया है? देखो ये क्या है ना भाई, 4 - 2√5 जो है, अगर ये किसी एक द्विघात समीकरण का मूल है तो सबसे पहले समझो कि ये उसका अपरिमेय मूल है,
और अपरिमेय मूल्य की खास बात यह होती है कि इस अपरिमेय मूल्य का अगर परिमेयकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो हमारे पास दूसरा रूप भी आ जाता है। कहने का मतलब समझे कि अगर मैं इसका परिमेयकरण कर देता हूं वन प्लस, ये इसको नीचे लिख लो, वन प्लस फोर माइनस टू रूट फाइव है। अब इसका अगर आप परिमेयकरण करोगे तो ऊपर तो फोर प्लस टू रूट फाइव आएगा, इसी का गुणा होगा टू रूट फाइव का, और नीचे भी इसी का गुणा होगा फोर प्लस टू रूट फाइव का, हाँ या ना। अब फायदा इसका क्या है कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो चार चौको सोलह, और यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, यहां पर अपने आप देखेंगे हमारे पास आ जाएगा गुणा करने पर दो दूनी चार पंचे बीस आ जाएगा। तो सोलह में से बीस घटाएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर सोलह में से बीस घटाएंगे तो माइनस का चार बचेगा, यहां पर क्या है फोर प्लस टू रूट फाइव, और यहां पर हमारे पास क्या है माइनस का चार, दो कॉमन लेके काट सकते हैं तो ऊपर क्या बचेगा, बोलोगे अरे हट जा भाई, दो कॉमन लेके काट देंगे तो ऊपर बचेगा टू प्लस रूट फाइव और नीचे बचेगा माइनस का टू, बोलो भाई बचेगा, हाँ सर। यहां पे भी यही था, एक रूट इसका क्या बना, एक रूट इसका ये बना, इसका अपरिमेय मूल है और इसका दूसरा रूट क्या आया, ये आया। तो अब अगर आपको ये पता है कि दोनों रूट अगर किसी भी द्विघात समीकरण के पता है, दोनों मूल पता है, तो इसका समीकरण का समीकरण फाइंड नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है कैसे भाई, आप बोलते हो सर एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का मतलब यहां पर क्या आएगा, एक मूल है हमारे पास फोर प्लस सॉरी फोर माइनस टू रूट फाइव, और दूसरा मूल क्या है टू प्लस रूट फाइव, टू प्लस रूट फाइव अपॉन माइनस टू इंटू एक्स हो जाएगा, और साथ में क्या होता है मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल लिखोगे तो एक में लिखोगे फोर माइनस टू रूट फाइव और दूसरे में क्या लिखोगे टू प्लस रूट फाइव अपॉन माइनस टू, और बराबर में क्या होता है जीरो होता है। यही सॉल्व करके आपको उत्तर देना था, कोई जल्दबाजी तो करनी नहीं थी, कोई जल्दबाजी है क्या, बोले सर बिल्कुल नहीं है, जल्दबाजी तो होनी भी नहीं चाहिए ना। चलिए सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस, बहुत ध्यान से बहुत प्यार से समझना सीखना भी, मैं माइनस दो का गुणा इसमें कर रहा हूं तो माइनस का आठ इधर कर रहा हूं माइनस आठ, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का फोर रूट फाइव, प्लस में यहां पर आया टू प्लस रूट फाइव और अपॉन में सीधे सीधे माइनस में क्या आएगा माइनस का टू इंटू एक्स प्लस, इसका गुणा करते हैं। अब इसका गुणा कर रहे हैं तो अपने पास देखो क्या आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर देखें तो माइनस वन माइनस में रूट फाइव अपॉन टू, माइनस दो का गुणा इसमें करें माइनस वन, इसमें किया तो माइनस में रूट फाइव अपॉन टू लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं माइनस वन माइनस में रूट फाइव अपॉन टू, बहुत ध्यान से सुनिएगा बराबर में जीरो है। अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब गुणा करते हैं इसका, तो माइनस वन का गुणा माइनस चार, माइनस वन का गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस का टू रूट फाइव, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का फोर रूट फाइव बाई टू, तो ये हो जाएगा टू रूट फाइव वो भी माइनस का, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जब गुणा करोगे तो दो से दो कट जाएगा और रूट पांच इंटू रूट पांच पांच आ जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा, बोलो ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा बहुत ध्यान से, बोले हाँ सर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, कैसे सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होने के लिए हमारे पास इस टू का इधर उधर और मल्टीप्लाई होने लगेगा, होगा ये पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहां पर क्या आ जाएगा माइनस आठ प्लस दो यानी माइनस छह, फिर उसके बाद फोर रूट फाइव प्लस रूट फाइव तो हमारे पास फाइव रूट फाइव, बटे में क्या आ जाएगा माइनस का दो आ जाएगा इंटू एक्स आ जाएगा प्लस, साथ में इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का चार है माइनस प्लस का पांच है तो यहां पर प्लस का वन आ गया, साथ में प्लस टू रूट फाइव है माइनस टू रूट फाइव है कैंसिल हो गया तो ये वन ही बचा, बराबर जीरो हो गया। अब दो का गुणा इधर उधर निपटाते हैं, दो का गुणा इधर उधर निपटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा इसको भी चेक करेंगे, अगर दो का गुणा इधर उधर करके निपटाते भी हैं तो अपना आंसर तो नहीं बनेगा ना, इससे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो अपना काम बनने नहीं वाला है, ठीक है, तो कुछ और रास्ता सोच लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें से किसका आंसर आएगा। द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए हमारे पास श्रीधराचार्य मेथड है। अब देखो क्या है, ये अगर हिस्सा इस सवाल में आपने ट्राई किया, ये आपने देखा, मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर अगर मैंने इसको ट्राई किया कि हमने दूसरा मूल निकाला और दूसरे मूल से अगर हम समीकरण बना रहे हैं तो हमें टाइम भी लग रहा है,
और टाइम लगने के साथ साथ आखिरी तक अगर करते जाओ और बाई चांस आंसर ना आया तो ये भी एक डिसअपॉइंटिंग बात हो जाती है, ठीक है। तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका अपनाते हैं, चलो इसी में अपनाते हैं कि भाई हमारे पास किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर श्रीधराचार्य मेथड। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। अब अगर इसका यूज हम करते हैं और अपने रूट निकालते हैं तो पहली इक्वेशन से अगर रूट निकाले तो काम बनेगा क्या, माइनस बी का मतलब हो जाएगा प्लस में चार, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब माइनस चार का स्क्वायर तो प्लस सोलह, माइनस में फोर ए सी जब रखोगे तो फोर का मतलब फोर, ए का मतलब वन, सी का मतलब हमारे पास फोर, अपॉन में टू ए होगा। ये सोलह माइनस सोलह जीरो हो जाएगा, टू ए का मतलब वन हो गया, ठीक है। सोलह माइनस सोलह ये जीरो हो गया तो यहां पर बचेगा सिर्फ चार, और चार बटे दो का मतलब दो होगा, तो एक मूल इसका दो ही आ जाएगा। तो मतलब ये तो अपने पास आंसर नहीं है, और ये आंसर नहीं है तो इसका मतलब ये लिखा था x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास आंसर नहीं है, इसको तो छोड़ ही दीजिए, ठीक। पहली इक्वेशन ने काम खत्म कर दिया, ये वैसे भी क्या लिखा है, ये लिखा है x माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो ये तो अपना आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, ये आंसर नहीं है तो खत्म करिए। आइए दूसरे पर आते हैं, चेक तो करना ही पड़ेगा, माइनस बी यानी कि प्लस का आठ हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर का मतलब चौंसठ, और चौंसठ माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का सोलह हो जाएगा ना, माइनस फोर ए का मतलब वन, सी का मतलब माइनस चार, तो ये प्लस हो जाएगा और ये सोलह हो जाएगा, अपॉन में टू ए का मतलब टू हो गया। यहां पर हुआ आठ प्लस माइनस रूट के अंदर क्या रहेगा, चौंसठ प्लस सोलह अस्सी, अस्सी हो जाएगा और अस्सी बटे दो हो जाएगा। 80 का मतलब 16 गुणे पांच होता है, और 16 गुणे पांच का मतलब क्या होगा हमारे पास, फोर रूट फाइव और बटे में दो, और दो से अगर हमने भाग दिया तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा फोर प्लस माइनस टू रूट फाइव, ये आ जाएगा। तो यहां से एक रूट तो हमारे पास फोर माइनस टू रूट फाइव दिखने लगा, एक रूट अगर फोर माइनस टू रूट फाइव दिखने लगा तो अगला रूट क्या दिख रहा है, फोर प्लस टू रूट फाइव दिख रहा है, तो अपना आंसर फिर क्या बनेगा, अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, शायद मैंने यहां पर चीजों को कुछ गड़बड़ किया होगा, इस वजह से ये आंसर नहीं आया, नहीं तो इतना समय फिलहाल नहीं लगता था, फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक। एक मिनट दीजिएगा, अपना आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी, श्रीधराचार्य मेथड से हमने ये चेक कर लिया कि अपना आंसर ऑप्शन बी है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें देख लेता हूं कि एक रूट अगर फोर माइनस टू रूट फाइव, और अगर इसका मैं सिर्फ सिंबल चेंज कर दूं तो अगला रूट क्या होगा, फोर प्लस टू रूट फाइव, है ना, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग यानी कि आठ एक्स, और माइनस में मूलों प्लस में मूलों का गुणनफल, चार चौको सोलह में से बीस घटाएंगे, माइनस का चार बचेगा बराबर जीरो। तो अपने पास ये सीधी इक्वेशन भी तो निकल आती है, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया था, अच्छा रेशनलाइजेशन किया था, कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझ लो मेरी बात, समझो ये मैं कहना चाह रहा हूं, देखो कई बार गलतियां होती हैं, आप समझना कि अगर एक मूल आपके पास किसी भी द्विघात समीकरण का अपरिमेय मूल दिया है, कैसा मूल दिया है, अपरिमेय यानी कि a प्लस माइनस या रूट बी की फॉर्म में ऐसा मूल दिया है, तो इसके दूसरे मूल के लिए आपको सिर्फ सिंबल चेंज कर देना है, साइन चेंज कर देना है, दूसरा मूल क्या आ जाएगा, a माइनस रूट बी आ जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। चलो, थोड़ा समय लगा इस सवाल में, अगला सवाल देखिए, बताइए बहुत ध्यान से, बड़ा मजेदार सवाल, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त, स्पीड बढ़ानी है तेजी से, लाइक और शेयर जरूर करना है सभी बच्चों को, लाइक और शेयर करते बिना काम बनने नहीं वाला है ना। एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% की व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% की नगद छूट और देता है, ध्यान से सुनना, एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% की व्यापारिक छूट देने के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% की नगद छूट देता है, छूट वाले मूल्य पर, और फिर भी क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है, तो माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखा गया था, ये बताना है। मैं मेरे प्यारे भाई ये कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, बहुत ध्यान से देखना, और इस वस्तु पर जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 17.3% का, तो इसका मतलब ये वस्तु 117.3% की तो बिकी होगी, ये तो कन्फर्म बात है, हाँ है ना।
अब अगर मैं इसके अंकित मूल्य पर आपको चीजें देखूं और समझाने की कोशिश करूं कि अंकित मूल्य पर कैसे काम हो रहा है, तो इसको देखो जरा। किसी वस्तु पर जो अंकित मूल्य है उस पर 25% की पहले ही छूट है, ध्यान से सुनना, 25% की पहले ही छूट है, और व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% की नगद छूट और है। यानी दो डिस्काउंट है, एक पहले 25% का, फिर 8% का। तो 25% और 8% के बराबर की अगर हम अकेले डिस्काउंट की बात करें तो 25 और 8 33, 25 चौको 100 और 4 बार नीचे 4 दूनी 8, यानी कि ये दोनों का डिस्काउंट जो होगा अकेले बराबर 31% के डिस्काउंट के होगा। कैसे सर? 25% की एक छूट हो गई सर, 8% की दूसरी छूट हो गई। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 8/100 ही तो करेंगे, 25 चौको 100, 25 और 8 33, 33 में से अगर हम 2 माइनस कर लेंगे तो इनके बराबर की छूट होगी 31% की। यानी कि अंकित मूल्य जो भी रहा होगा उस अंकित मूल्य पर 31% का डिस्काउंट दिया हो गया होगा। बहुत ध्यान से सुनना, अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया होगा? 31%। अच्छा मान लीजिए, यहां पर लिख लेता हूं, टोटल डिस्काउंट होगा कितने परसेंट का? 31% का। ये बात आपको समझ में आ गई ना कि 31% कहां से आ गया? 31% का, 31% का। अब ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब अगर यही क्वेश्चन मैं टॉप 30 वाले सीरीज में डालता ना तो कई सारे बच्चे कहते हैं अरे यार ये कठिन क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, ठीक है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है। अगर 31% का डिस्काउंट दे दिया, मैं यहां पर था कि अगर 31% का डिस्काउंट दे दिया तो अगर किसी चीज पर 31% का डिस्काउंट दे देते हैं तो वस्तु 69% की बिकती है। कितने परसेंट की? 69% की। यानी अंकित मूल्य का अगर हम 69% पर वस्तु को बेचते हैं तो वो कितने की बिकती है? 117.3 की। इस चीज को समझना है क्योंकि विक्रय मूल्य इतना है। तो मैं ये बोल रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि अंकित मूल्य का 69% यानी 69/100 किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे 117.30 या 3 के बराबर होगा। इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब हमारे पास अंकित मूल्य अगर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 117.30/69, ये आएगा। अब मेरा छोटा सा सवाल मेरे प्यारे दोस्त ये है आप सभी से, बहुत ध्यान से सुनना, मेरा छोटा सा सवाल आप सभी से ये है कि अगर मैं 1173 को 69 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास कितनी बार डिवाइड होगा? जीरो तो उसमें आगे लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं ये चाह रहा हूं कि आप इससे इसको डिवाइड करिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए कि कितनी बार होगा। तो आप बोलोगे सर 23 से इसको डिवाइड करें, 23 23 69, और 23 से अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो 23 2 46, 46 2 92, 46 चौको 92, 92 8 इधर 17 इधर, 17 और 8 25, 253, और 23 9 253, नहीं 23 × 11 253 है ना, तो 23 5 115 होगा, 23 5 115 होगा, 2 बचेगा 23 1 30, 3 से काटोगे 17 बार कट जाएगा। ये इससे 17 बार कटेगा, 170 यहां पर आएगा। कितना जाएगा? 170। यानी हमें ये पता चल गया कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 170, जिस पर इतने का डिस्काउंट देने के बाद चीज इतने की बिकी थी। तो हमने यहां से क्या निकाला? हमने यहां से निकाला कि अंकित मूल्य आ गया 170। अब अगर इस अंकित मूल्य पर मैं व्यापारिक छूट 25% की दूं और उसके बाद 8% की नगद छूट भी दूं और उसके बाद अगर इसको इतने का बेचूं तो हमारे पास जो लाभ होगा वो 17.3 का होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, सवाल जानते हो क्या था? सवाल ये था अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया था। अंकित मूल्य अगर 170 है और क्रय मूल्य 100 है तो बताओ कितने परसेंट अधिक अंकित है? तो आप बोलोगे सर 70% अधिक अंकित है। ये बिल्कुल साधारण तरीके से आपका उत्तर आया है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन जो इसमें थी वो एक्चुअली रिक्वायर्ड थी, ये करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो इसके बिना ये ग्रुप डी के आंसर का जो कि 2 नवंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है आपका आंसर नहीं आता। ये करना पड़ता, बहुत सुंदर बहुत उम्दा क्वेश्चन है ये, मैं ये भी बोलूंगा, इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत उम्दा क्वेश्चन पूछा गया ये, शाबाश वाला, शाबाशी मिलनी चाहिए इस प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से बताइएगा, बहुत छोटा सा सवाल है इस वक्त लेकिन है बड़ा जबरदस्त। क्या है? कहता है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपके पास दे रखी हैं और इसका क्षेत्रफल हमें बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में जो उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है वो उसका कर्ण होती है। इसमें सबसे बड़ी भुजा x है
किसी एक को x माइनस टू मान लीजिए, किसी एक को x माइनस फोर मान लीजिए, किसी भी एक को, लेकिन सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है वो तो x रहेगी। अब ये क्षेत्रफल तो तभी निकल पाएगा ना जब हमें x का मान पता होगा, क्योंकि भाई समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे दोस्त वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू होगा, यही होगा क्षेत्रफल। लेकिन इसके लिए हमें x का मान चाहिए। अरे x का मान यहां से कैसे निकलेगा भाई, पाइथागोरस लगाए बगैर तो नहीं निकलेगा, कोई और रास्ता ही नहीं है। क्षेत्रफल के लिए ऑप्शन दिया आपके पास, और कोई रास्ता ही नहीं है। क्या है, कैसे है वो ध्यान से समझने की जरूरत है, मैं आपको देखो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए अगर क्षेत्रफल 12 है, मैं आपको पाइथागोरस से भी बताऊंगा लेकिन पहले इसको भी सीखो। मान लीजिए ऑप्शन, अगर क्षेत्रफल 12 है तो 12 × 24, क्या आप 24 के दो ऐसे फैक्टर कर सकते हैं जिसमें दोनों एक संख्या x माइनस फोर हो और एक संख्या x माइनस टू हो, मतलब कोई एक ऐसी संख्या सोचो जिसको ये घटाने पर हमारे पास ये आता हो, कोई सोचो ऐसी संख्या। तो आप बोलो कि अगर सर हम ऐसी संख्या सोचे तो हमारे पास ऐसी संख्या तो बनी नहीं रही ना, कि भाई x का मान रखें तो 24 आ जाए। मान लीजिए x बराबर आपने 10 रखा तो 10 माइनस 4 तो 6 होगा, लेकिन 10 माइनस 2 8 होगा, बनेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर 6 और 8 देख रहे हो तो ये 24 से आंसर बना देगा। फायदा क्या होगा कि एक ऑप्शन जब चेक करोगे तो उससे दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आंसर सही क्या होगा। बोले ये सर कैसे, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल 48 होता तो 24 होता तो 24 × 48 मिलता, और इधर बराबर में क्या रहता, x माइनस फोर और x माइनस टू। अब मान लीजिए कि आपने x को 10 देखा, तो x को 10 देखने से फायदा क्या होगा कि ये संख्या 6 हो जाएगी और ये संख्या 8 हो जाएगी, और 6 × 8 = 48 होता ही है, और ये बात पाइथागोरस को भी सेटिस्फाई कर देगी। सबसे बड़ी बात ये है कि x का मान अगर 10 हो तो x माइनस फोर का मान 6 होगा और x माइनस टू का मान 8 होगा, और 6, 8, 10 से पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बनती है, सबसे बड़ी चीज ये हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर मेरे प्यारे भाई क्या बनेगा, आप बोलोगे सर जी करेक्ट आंसर तो 24 ही बनेगा, कि इसका क्षेत्रफल भाई साहब 24 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। बोलो बात समझे, ये था फंडा, ये थी सीखने की चीज, कि हमने एक ऑप्शन उठाया। मान लीजिए हम पाइथागोरस नहीं लगाना चाह रहे, कोई बात नहीं है, तो हम एक ऑप्शन को ही उठाते हैं और ऑप्शन का यूज करेंगे, तो मान लीजिए अगर वो आंसर नहीं भी हो रहा तो उससे हमें ये हिंट तो मिल जाएगा कि आंसर होगा कौन सा। क्लियर, नेक्स्ट आइए। दो संख्याओं का योगफल 35 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, दोनों संख्याएं क्या होंगे। एलसीएम दिया है 306 और योगफल दिया है 35, तो 35 सबसे पहले देखो किससे किससे आ रहा, तो आप बोलोगे यहां भी 35, यहां भी 35, यहां भी 35, यहां भी 35। अब अगर एलसीएम हमारे पास कितना दे रखा है, 306, तो इसका मतलब सब संख्याओं से कटना भी चाहिए। 14, 14 × 28, 26 हो जाएगा, तो 14 से 306 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। 16 से देखो, 16 × 16, 14 बचेगा 146, 16 से 146 कटेगा नहीं, ये भी आंसर नहीं है। 17 से देखो, 17 × 17, 13 बचेगा, 17 × 8 = 136 कट जाएगा, 18 × 18 है ना इसके साथ, 18 × 18 2 बचेगा, 26 × 18 से नहीं कटेगा। 13 से चेक करो, 13 से कटेगा क्या, 13 × 13, 13 × 2 = 26, 4 बचेगा 46, तो आप बोलोगे ये भी नहीं कटेगा। तो बोले सर किसी से कट ही नहीं रहा तो आंसर क्या होगा, जब ये किसी से कट ही नहीं रहा है तो आंसर क्या होगा, क्योंकि एलसीएम तो ये दिया है ना, एलसीएम तो दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम निकालना है आपको, उल जुलूल काम करने ही नहीं थे कि ये काट पीट के देख रहे हो। इन दोनों में कॉमन 7 है, 7 हटाओ, अब बचा 2, यहां बचा 3, तो 2 × 3 × 7 क्या कभी 306 बनेगा, तो आप बोलोगे सर असंभव है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा इनका भाई, 7 × 3 = 6, 6 × 7 = 42, 306 नहीं बने रहा एलसीएम। 16 और 19 दोनों आपस में कोप्राइम नंबर है, HCF1 है, तो 16 और 19 का अगर आप गुणा करते हैं तो क्या 16 और 19 का गुणा करने पर 19 × 6 कितना होगा, 6 × 9 = 54, इकाई में 4 आएगा अगर गुणा करते हैं, और यहां पर 6 है तो मतलब ये भी आंसर नहीं है। छोड़िए, 17 और 18 अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कोप्राइम नंबर है, दोनों में कॉमन एक ही है, लेकिन 17 और 18 का जब आप गुणा करोगे ना तो आपके पास 306 ही आएगा। क्या आएगा, 306, इसमें नहीं आएगा, मेरी बात समझे, इसमें नहीं आएगा ये 13 × 26, 260 + 26 होगा, 260 + 26 306 नहीं होता है, ये तो खत्म है। तो अपना आंसर क्या होगा, यही 17 × 18, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 306।
और मल्टीप्लाई क्यों किया, उसके पीछे की वजह है कि सर ये दोनों नंबर जो है ना वो को प्राइम है, सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य कैसे है, सहअभाज्य बच्चे इस प्रकार से हैं कि इन दोनों में वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इनका एलसीएम ये होगा। चलिए नेक्स्ट, ये तो सरल सा दिख रहा है भाई, ये सरल है, खैर इसको तो ऐसे ही मुंह जवानी करना चाहिए। 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, 60 बटे 7, 60 बटे 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 4, ये हो जाएगा आंसर, 8 से ही 4 बटे 7। अब अगर इसके लिए आप लिखोगे तो फिर काम नहीं बनेगा, हाँ इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये अच्छा सवाल आया, मजेदार, एकदम झंझनाता हुआ मजेदार सवाल, लीजिए आप बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, बताइए। ग्रुप डी दोनों 2022, 2 सितंबर 2022 का मजेदार सा क्वेश्चन है, जरा करके बताओ, ऐसे काम नहीं होने का। हाँ चलिए, बंटन का माध्य जो है ना वो 54 दिया है और 2x प्लस 3y का मान पूछ रहा है, तो हमें x और y के मान तो पता होना चाहिए, तब हम जाकर 2x प्लस 3y का मान निकाल पाएंगे। तो अब देखो, ये जो क्लास दिया है ये 0 से 20 का दिया है, तो इसके बीच का जो माध्य होगा ना उसको लिख लीजिए 10, एवरेज इनके बीच का, इनके बीच का एवरेज 10, इसके बीच का एवरेज 20 और 40 के बीच का एवरेज 30 होगा ना, 30 हो गया, फिर यहां पर 40, यहां पर 50, नहीं ये हो जाएगा आपके पास 30 20 50 होगा, ये क्या होगा 50, यहां पर 70 होगा, यहां पर इसका 90 होगा, और यहां पर ये टोटल है, टोटल लिखा है, ठीक है, टोटल 50 है। अब एक चीज को समझो जरा, ये कह रहा है कि ये टोटल है अपने पास 50, नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी, तो हम देखते हैं कि 11 और 9 20, 20 और 7 27 हो गया, यानी कि x प्लस वाई का जो मान होगा, अगर ये टोटल 50 है तो ये 23 तो होना चाहिए, x प्लस वाई का मान 23 तो होगा ही होगा, तब जाके 50 होगा भैया, 11 और 9 20, 20 और 7 27, और ये टोटल फ्रीक्वेंसी अगर 50 थी तो 27 प्लस 23 करेंगे तभी 50 होगा, तो x प्लस वाई का मान तो 23 होगा, ये तो बात कंफर्म हो गई। अब कितनी होगा ये समझो, इनका माध्य तुम्हारे पास दे रखा है कितना, 54, तो टोटल अगर हम निकालें तो देखो जरा, 54 गुणे 50 तो होगा ही ना, माध्य तो हमारे पास 50 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी टोटल 50 दे रखी है, बराबर माध्य कैसे निकलेगा, माध्य बराबर क्या होता है मैं बता देता हूं, दोनों का गुणनफल 70 प्लस 330, दोनों का गुणा कर रहा है, प्लस 50 गुणे x तो 50x, 50x प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, 70 गुणे 9, 9 सत्ते 63, 630 प्लस अपने पास क्या आएगा, 90y, ये आएगा 90y, और बटे में क्या आएगा, जो इनकी फ्रीक्वेंसी का टोटल योग है यानी कि 50 है, ये है ना, हाँ है ना, इसी 50 का गुणा मैंने यहां किया था, फिर फिलहाल कोई बात नहीं, यहां से देखना 50 गुणे 54 करते हैं तो 250 ये हो जाएगा, 200 और 20 कितना हो जाएगा, 270, यानी 2700 हो जाएगा, ये 54 पंचे 270, 2700, इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ने पर हमारे पास ये भी क्या आएगा जरा देखिएगा, 330 और 70 मिल जाएगा 400, 400 और 600 1000, 1030 ये हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास रहेगा 50x प्लस में 90y, 50x प्लस में 90y। अब देखो और ध्यान से, अगर मैं यहां से जाता हूं तो 2x प्लस 3y का मान चाहिए मुझे, और x प्लस y का मान तो 23 दिया है, x प्लस y का मान कितना है 23, चलिए देखते हैं, 1030 से को मैं इसमें घटा लूंगा तो अपने पास बचेगा क्या, यहां पर 70 बचेगा भाई, 100 में से 30 गए 70 बचा, 0 0, 10 में से 3 7, यहां बचेगा 6, 6 ये आ जाएगा, और 2 में से 1 1670 आया, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर मैंने 10 कॉमन और कर लिया तो हमारे पास आएगा 5x प्लस में 9y, एक 0 से एक 0 खत्म कर लेते हैं तो 167 का मान बराबर हो रहा है 5x प्लस 9y के, 5x प्लस 9y का मान 167 के बराबर हो रहा है, ठीक है, क्लास वर्ग और फ्रीक्वेंसी और टोटल ये हमारे पास दिया हुआ था, तो अगर x प्लस y का मान 23 है तो इसका मान किसके बराबर होगा, और वहां से हमें 2x प्लस 3y का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, 2x प्लस 3y का, 2x यहां से ले लेते हैं, देखो ये हो गया 167 बराबर में, इससे हम 2x प्लस 3y को अलग कर लें,
तो अगर 2x अलग किया है तो यहां से बचेगा 3x, और यहां से 3y अलग किया है तो बचेगा 6y, यही बचेगा। हाँ सर बचेगा। चलो जी अब इसके बाद देखिए क्या आएगा अपने पास। इसका मान हमको चाहिए, इसको इस तरफ ले आओ तो 167, 167 माइनस में 3x प्लस 2y, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस 2y हमारे पास आ जाएगा, और 3 कॉमन ले लेते हैं, यहां से बचेगा 2x प्लस 3y। क्या बचेगा? 2x प्लस 3y, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो रही दया, क्या गड़बड़ हो सकती है देखिए जरा। निम्नलिखित बंटन का जो माध्य है वो ये है, ये अंतर 10 आएगा, 40 20 60 30 हो जाएगा, 60 40 50 हो जाएगा, 8 6 14 70 हो जाएगा, और 80 प्लस 100 90 हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 7 70 11 3 33 50 x 9 7 63 630 और 90 y, टोटल 50 था, 54 5 270 हो गया, ये भी ठीक है। जीरो बढ़ गया, 400 हो गया यहाँ पर, 400 600 1000 1000 30 प्लस 50 x प्लस 90 y, क्या गड़बड़ हो रही है, इसको देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको घटा लेंगे तो 1670 आ जाएगा, 1670 में 10 कॉमन लेके हटाते हैं अपने पास तो 167 बचेगा, और 5x प्लस 9y, 5x प्लस 9y में 2x इधर ले लेंगे तो 3x बचेगा, 3y इधर ले लिया तो 6y बचेगा। अब अगर इस तरफ ले आते हैं तो हमारे पास मान तो x प्लस y का ही दिया है ना, एक y हमारे पास और एक्स्ट्रा आएगा। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, इसको भी अगर हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि x प्लस y है, y हम हटा लेते हैं तो 23 से 69, 69 माइनस करेंगे 98 और आ जाएगा। अब आंसर 98 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, कुछ तो मिसिंग पॉइंट है ना इसमें जो हम लोग मिस कर रहे हैं। अब देखो एक्चुअली बात क्या है ना, इसमें गड़बड़ी जानते हो क्या है, इसमें गड़बड़ी ये है कि इसमें दो पॉइंट मिसिंग नहीं होने चाहिए, और अगर दो पॉइंट मिसिंग है मान लीजिए, तो अगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो 23 के बराबर है, तो 23 के बराबर के लिए मान लीजिए कि अगर मैं x को 10 मान लेता हूँ और y को 13 मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए फोकस करना ठीक है। तो 2x प्लस 3y का मान मैं निकालूंगा, 2x प्लस 3y का मान, x को मैंने 10 मान लिया, y को मैंने 13 मान लिया, तो 10 दूनी 20, और 13 गुणे 3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 39 हो जाएगा, 39 प्लस 29 59 अपना आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 59, 2x प्लस 3y। बट अगर ये दोनों वैल्यू यहां पर मिसिंग हुई तो विश्वास मानना कि आप जाकर यहां कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ये हमारे मंजीत भाई साहब ने कहीं ना कहीं एक उसको जो है जबरदस्ती गायब कर दिया, एक ही चीज इसमें होगी ठीक है, एक ही गायब होगी। अब अगर एक ही गायब होगी ना तो आप इसको बड़े आसान ढंग से कर सकते हो, या तो x आपके पास दिया होगा या तो y आपके पास दिया होगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई अगर एक चीज दी है, मान लीजिए x मिसिंग है तो y निकाल लेंगे, या y मिसिंग है तो हम x निकाल लेंगे, क्योंकि एक वैल्यू गिवन होगी, और एक वैल्यू अगर गिवन होगी तो दूसरी बड़े इजी ढंग से निकाली जा सकती है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, राइट? ओके, नोट करिएगा। चलिए फिर अगला देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपए मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% वैट लगाने के बाद इतने में बेचता है, तो x का मान क्या होगा? देखो कितना बढ़िया सवाल है। वस्तु पर x रुपए मूल्य अंकित कर देता है, यानी वस्तु का जो मूल्य है, इस चीज को समझना जरा मेरे प्यारे दोस्त, ये वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसने x रुपए अंकित किया, और इस पर 20% की छूट के बाद अगर बेचेगा तो उसका जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो कुछ आएगा। अच्छा कह रहा है कि इस पर 20% की छूट देता है, मतलब 5 की चीज को 4 की बेचता है, मतलब जिस वस्तु का अंकित मूल्य 5 है उसे वो 4 के रेशियो में बेचता है। इस बात को समझ पा रहे ना, रेशियो आपके पास आ गया अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का, करेक्ट है? ठीक लगा, समझ में आया? ओके। वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% का टैक्स लगाने के बाद इतने में बेचता है। अब आप 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते हैं, वैसे तो याद होनी चाहिए लेकिन अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप 25/2 लिख सकते हैं क्या, और परसेंट के लिए नीचे 100 लिख लीजिए, तो 25 एकम 25, 25 को 100, 1/8, ये आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मतलब इतना वैट लगाने के बाद उसे 432 रुपये में बेचता है, तो कहने का मतलब है कि 8 की चीज को 9 में बेच रहा है, और जब 9 में बेच रहा है तो कीमत होती है 432। मैंने ये कहा
कि अगर उसने वैट लगा दिया तो 8 की चीज को वो 9 में बेच रहा है, और जब 9 में बेच रहा है तो कीमत है 432। तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सर यहां से अगर देखें तो 9 चौको 36, 9 अट्ठे 72, 8 का मान कितना होगा, 8 अट्ठे 64 के 4, हासिल लगेगा 6, और 8 चौको 32 और 6 38, यानी कि 384 की। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसको आपको समझना है कि अगर हमारे पास 384 विक्रय मूल्य होगा तो 4 का मान हमारे पास 384 होना चाहिए। तो 1 का मान यहां से क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 4 9 में 36, 4 6 24, 1 का मान 96, और अगर 1 का मान 96 तो 5 का मान क्या होगा, 5 गुणे 96। बताइए 5 गुणे 96 क्या होता है, तो 6 5 30 03, 5 9 45 और 3 48, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य जो आपसे पूछा था मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 480 रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा साधारण सा, इतना ही वैल्यू लिखनी थी। ये जो मैंने आपको लिख के बताया है ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको मुंह जवानी करना है, याद रखना इस बात को, मुंह जवानी करना है, ठीक है। मंजीत भैया ध्यान से देखना जरा, बच्चे अगले सवाल का उत्तर क्या दे रहे हैं। ये है नेक्स्ट सवाल, देखिए आंसर बताइए। 4800 रुपए की राशि पर 15% की वार्षिक दर से n वर्षों का साधारण ब्याज इतने रुपए है, तो n का मान क्या होगा, वो n क्या होगा, ये ब्याज है। मैं ये कह रहा हूं 4800 का 15% क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 480 प्लस 240 720। 4800 का 15% वार्षिक की दर से अगर ब्याज निकाले तो हमारे पास एक साल का ब्याज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 4800 का 15% और 4800 का 15% होगा 720 रुपए। सीधे सीधे लिखना है, ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग बात समझो, 4800 का 15%, ठीक है। इसको लिखना नहीं पेपर में, अगर मान लीजिए इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4800 का 15% मतलब एक साल का हमारे पास साधारण ब्याज है 720 रुपए, और टोटल ब्याज कितना मिला था हमारे पास 2160 मिला था, और 720 रुपए अगर एक साल का साधारण ब्याज है तो मेरे प्यारे दोस्त 72 से 216 तीन बार में कटेगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो 3 साल आ जाएगा। यानी n का मान मेरे प्यारे भाई कितना होगा, 3 वर्ष होगा, यानी 3 वर्षों के बाद उसे 2160 रुपए का साधारण ब्याज मिल जाएगा। इतना सा सवाल, देखो DI आने का मतलब बोनस नंबर आया, DI आने का मतलब बोनस नंबर आया। पाई चार्ट एक बीमा कंपनी द्वारा पेश किए गए विभिन्न बीमा उत्पादों की कुल हिस्सेदारी को प्रस्तुत करता है। यदि किसी वर्ष में कंपनी द्वारा बेचा गया कुल बीमा 36,000 का था, कितने का, 36,000 का, तो उस वर्ष अग्नि और संपत्ति बीमा कितने रुपए के बेचे गए। अग्नि मतलब फायर वाला, तो फायर इंश्योरेंस 6% बेचा गया, और संपत्ति वाला यानी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस 2% बेचा गया। तो हमें 6 और 2 8% निकालना है, किसका, 36,000 का। और मेरे प्यारे दोस्त अगर आपको 36,000 का 8% निकालना है तो इस परसेंट से ये 2 जीरो तो खत्म हो जाएंगे। 360 गुणे 8 कितना होता है, 36 गुणे 8 288 होता है, और 1 जीरो आप आगे और लगा देंगे तो आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा, 2880 रुपए के बीमे को बेचा गया है। किसको किसको मिलाकर, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को और फायर इंश्योरेंस को, यानी अग्नि और संपत्ति का बीमा कुल मिलाकर 2880 रुपए का बेचा गया। काम खत्म, पैसा हजम, बोलो तारा रारा। चलिए नेक्स्ट बताइए, त्रिकोणमिति, जबरदस्त त्रिकोणमिति, देखो ध्यान से सवाल हटते हैं, ध्यान से देखो। x का मान sec थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट में cot थीटा प्लस tan थीटा, वेरी गुड। उसके बाद कह रहा y का मान ये दिया है, और थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ये भी बोला गया है। एक्स वाई का मान किसके बराबर होगा, इनमें से आपको बताना है कि ये ऑप्शन है, एक्स वाई का मान किसके बराबर होगा। चलो भाई, अब इसको तो आप एंगल पुटिंग से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर एंगल पुटिंग से करते हो, थीटा का मान 0 से 90 के बीच में रखा गया है, उससे भी कर सकते हो कि कोई एंगल डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए थीटा का मान आपने 90 डिग्री डाल लिया, सॉरी 45 डिग्री डाल लिया, मान लीजिए थीटा का मान कितना डाल दिया, 45। अब सुनिएगा एक्स का मान क्या आएगा, थीटा का मान 45 डालोगे, ये रूट टू होगा, ये 1/√2 होगा, ठीक है, यहीं पे करना है। तो 1/√2 और √2 माइनस 1/√2 ये आया, गुणे में क्या आ जाएगा, ये x के मान के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। cot 45 1, tan 45 1, तो ये 1 हो गया, यानी x का मान हमारे पास कितना, ये 1+1 2 हो जाएगा, सॉरी 1+1 कितना हो गया, 2। रूट टू से 2 को डिवाइड करेंगे, x का मान हमारे पास √2, x का मान हमारे पास √2। y के मान के लिए आइए, sec 45 यानी √2, बहुत ध्यान से देखो,
sec 45 रूट टू टेन 45 वन ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 45 यानी कि 1 अपॉन रूट टू। मेरे प्यारे दोस्त आप देखो और ध्यान से समझो, ये हमारे पास रूट टू माइनस वन आ जाएगा, रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू हो जाएगा, इस रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन, तो ये अपने पास एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक। वाई का मान हमारे पास क्या आ गया? वन आ गया। एक्स का मान रूट टू, वाई का मान वन। एक्स वाई चाहिए था, एक्स वाई का मतलब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो रूट टू इंटू वन का गुणनफल जो होगा ना वो रूट टू होता है। अब आप देखिए रूट टू मान कहां से आ सकता है, क्या कॉट 45 अगर रखोगे तो मान रूट टू होता है, कॉट 45 तो 1 होता है, खत्म हो गया। टेन 45 साइन 45 1 अपॉन रूट टू होता है, खत्म हो गया। कोसिक 45 और इसको देखो तो हमारे पास कोसिक और ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, ठीक। तो कोसिक 45 का मान रूट टू हो गया, कॉट 45 का मान 1 हो गया। आप बोलोगे सर जी ये रूट टू दे रहा है, जबकि साथ साथ टेन 45 का मान 1 और सेक 45 का मान रूट टू, सर जी ये भी हमारे पास रूट टू दे रहा है। अब क्या होगा सर? हमारे पास दो ऑप्शन सेम हो गए अगर थीटा बराबर 45 डाल दिया तो। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, आप हमेशा अगर एंगल पुटिंग करते हैं, वैल्यू डालते हैं, तो हमेशा पहले ही ऑप्शन को देखो, क्या किसी भी एंगल को डालने पर हमारे पास वैल्यू सेम तो नहीं आ रही है। अब हमारा आंसर ऑप्शन ए या ऑप्शन डी नहीं है, ये बात कन्फर्म है, लेकिन बी और सी में कौन सा ऑप्शन हो सकता है इस बात को चेक करना जरूरी है, इसको तो चेक करना पड़ेगा ना। अब अगर मान लीजिए हम दूसरी वैल्यू डालते हैं, थीटा का मान हम कुछ और डालते हैं, एक तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि ए और डी तो आंसर नहीं है। अब मान लो अगर थीटा का मान हम कुछ और डाल देते हैं, थीटा का मान हमने कहा यहां से भाई मैं 30 डिग्री डाल लेता हूं, 60 डिग्री डाल लेता हूं, कुछ भी डाल लीजिए। थीटा का मान 30 डिग्री डालेंगे, sec 30 का मान क्या होगा? बोले सर cos 30 के मान का उल्टा यानी कि 2 अपॉन रूट 3। तो अगर आप कुछ और वैल्यू डाल लेना तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी। तो सर हम कैसे करें? कैलकुलेशन भी हमें कम रखनी है, सवाल का उत्तर भी सही निकालना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन मैच ना करें, सेम ऑप्शन बेसिक लगाओ ना। sec 1 अपॉन cos होता है, ध्यान से सुनिए, sec 1 अपॉन cos, तो ये cos इधर आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है हमारे पास? cos थीटा। प्लस में 1 अपॉन, इसको देखो कॉट थीटा क्या होता है? वन अपॉन ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, और नीचे हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम लोगे ना? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई? अब मेरे प्यारे दोस्त इस बात को अगर आप देखो ध्यान से समझो तो साइन थीटा से साइन थीटा का काम खत्म हो जाएगा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा खत्म हुआ, अब यहां से क्या बचेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा इंटू यहां से कॉस थीटा है, ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। ये मान आ गया हमारे पास एक्स का। क्या इसको ऑल सॉल्व किया जा सकता है? भाई ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, ना सॉल्व करो तो ऐसे ही बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई का मान ले लो, वाई बराबर, इसको देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए, sec थीटा को अब यहां पर sec थीटा ही लिखा रहने देते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो कुछ और चेंज कर लेंगे। ये हो गया 1 अपॉन cos, ये हो गया sin अपॉन cos। तो cos अगर नीचे हमारे पास LCM के रूप में आ गया तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा? ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा, और ये है 1 माइनस sin थीटा, तो क्या बनेगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से सुनना, ये cos थीटा एक खत्म, sec थीटा cos थीटा ये भी खत्म, y का मान वैल्यू 1 आ गई। यानी अपना आंसर क्या बनेगा? अगर हम x और y का गुणा करेंगे तो हमारे पास यही तो बना रहेगा, tan थीटा इंटू sec थीटा, और tan थीटा इंटू sec थीटा ऑप्शन सी में है, तो अपना आंसर ऑप्शन बी खत्म होके ऑप्शन सी आ जाएगा। तो बेसिक ऐसे प्रश्नों में ज्यादा इजी होता है। या इसका दूसरा तरीका था कि आप कोई ट्रिपलेट इसमें डाल लेते, छोटी सबसे छोटी 3, 4, 5 की ट्रिपलेट डाल लेते, लेकिन इससे उसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन होती, ठीक है, बात समझे। नेक्स्ट, 6 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 66 है, इन दोनों गुणजों में से छोटा गुणज क्या है? अब अगर गुणज 6 के हैं तो निश्चित तौर पर वो 6 से डिवाइड होंगे, तो हमसे पूछ रहा था दोनों गुणजों में छोटा गुणज कौन सा है जिसका योग 66 बनाना है। तो मान लीजिए गुणज क्रमागत भी होने चाहिए, अगर एक 24 लेते हो तो अगला 30 होगा, इनका गुणज क्या कभी 66 हो सकता है? नहीं हो सकता। एक 36 लेते हैं अगला 42 होगा, इनका प्लस जो 66 होगा? नहीं होगा। एक 42 लेते हैं अगला 48 होगा,
इनका योग 66 होगा, नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक 30 लेते हो और एक अगला गुणा 36 लेते हो तो इनका योग 66 ही होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सवाल खत्म हो गया। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो सबसे जरूरी बात है इसमें, ठीक है। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये होता है टोटल सरफेस एरिया किसी बेलन का, यानी कि उसका। अब जरा देखो भैया, पाई सारे के सारे ऑप्शन में है तो पाई को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, पाई एज इट इज बना रहेगा। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 24, 24 दूनी 48 ही हो जाएगा, पाई ऐसे ही बना रहेगा। h प्लस r यानी कि हाइट प्लस त्रिज्या यानी कि 30 और हो जाएगा, ऐसे ही करना है। 48 गुणे 3 144, 48 गुणे 3 कितना होता है? 144 हो जाएगा, एक जीरो और लगेगा, पाई अपने पास और आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लिखने की और ज्यादा आवश्यकता है क्या? नहीं है ना, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर आए, ये हो गया था, ये हो गया अगला सवाल। इसका धनात्मक वर्गमूल क्या होगा? कहने का मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है इसका वर्गमूल चाहिए, वो भी पॉजिटिव वाला, a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो दोनों को एक बार जोड़ लीजिए 50 हो जाएगा, दोनों को एक बार घटा लीजिए तो 18 हो जाएगा, 18 पंचे 90 900 हो जाएगा, वर्गमूल निकालोगे 30 हो जाएगा, ये लीजिए सवाल खत्म हुआ। क्लियर हुई बात? इतना ही तो करना था, फॉर्मूले का ही तो यूज करना है, तो क्या अननेसेसरी टाइम को जाया किया जाए, क्या कहते हो, है ना? ये सवाल जो है ये आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है। ये कैसा क्वेश्चन है आपका? ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन होगा, और मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी, सोल्यूशन आपको कैसे लगे, इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा, मेरे सभी दोस्तों से मेरा आग्रह है। प्लस सभी एक चीज मैं बता दूं, कल जो डाउट सेशन गया था उस डाउट सेशन में मैंने पहले भी बोला था, कल भी बोला था, कि अगर आप अपने डाउट को बिना ऑप्शन के साथ भेजते हैं तो उसको कंसीडर नहीं करूंगा। तो जिन बच्चों ने उसको बिना ऑप्शन के साथ भेजा है, मेरा उनसे निवेदन है कि उसको फिर से ऑप्शन के साथ जरूर भेज दें, तो उसको कंसीडर करके फिर एक डाउट सेशन नंबर 3 ले लूंगा, ठीक है मंजीत भैया। और सेशन को सभी लोग यार लाइक शेयर कर दिया करो, बहुत मतलब बहुत अंदर से लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप एक लाइक नहीं कर सकते हो तो कैसा काम चलेगा, ठीक है। चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं 3 बजे से, और एक क्लास शाम को 5 बजे से, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखना। अच्छा, जितने भी बच्चे मैथ में वीक है ना, तो वो क्या काम कर सकते हैं, वो 5 बजे वाली क्लास को भी ले सकते हैं, मैथ और धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।